हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि समर में आप कैसे मेकअप करें, वो भी वाटरप्रूफ मेकअप। वाटरप्रूफ मेकअप मतलब आपके फेस पे जो स्वेट आता है वो नहीं आएगा इस ऐसे मेकअप करने से, और मेकअप करने के बाद आपका फेस बिल्कुल फ्लॉलेस और बहुत अच्छा कैसे लगे। सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने यूज किया ये है मामा अर्थ की टर्मरिक की मॉइस्चराइजर क्रीम है। गाइस, इसके अंदर टर्मरिक मिला हुआ है जो एंटीसेप्टिक का वर्क करेगा और आपके फेस को बिल्कुल अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा। सो मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये है रिकॉर्ड का प्राइमर है। गाइस, ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। सिलिकॉन जो प्रोडक्ट होता है उसमें क्या होता है, जिनके भी ज़्यादा फेस पे पोर्स की प्रॉब्लम होती है उनको हमेशा आपको सिलिकॉन बेस वाला ही प्राइमर लेना चाहिए। सिलिकॉन बेस का प्राइमर अप्लाई करने से आपके जो भी ओपन पोर्स हैं वो अच्छे से ब्लर आउट हो जाते हैं और अच्छे से कवर हो जाते हैं, और आगे के मेकअप के लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर देता है आपके फेस को। और अब प्राइमर अप्लाई करने के बाद अब मैं यहाँ पे यूज ले रहा हूँ ये है फॉरएवर 52 का कलर करेक्टर है। गाइस, इसमें चार शेड आते हैं, जिसमें जी जो ऑरेंज शेड है वो मैं अपने फेस पे वहाँ अप्लाई करूँगा जहाँ पे मुझे डार्कनेस है। आपको जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ पे आपको ऑरेंज कलर करेक्टर अप्लाई करना है, और एक ग्रीन कलर का कलर करेक्टर भी आता है वो आपको वहाँ अप्लाई करना है जहाँ पे आपके रेडनेस हो रही है। सो मेरे फेस पे कहीं रेडनेस नहीं है, मेरे ओनली फॉर आपको ब्लैक स्पॉट्स मिल जाएंगे। सो इसको मैं अच्छे से टैपिंग मोशन में अच्छे से इसको अप्लाई करूँगा और फिंगर की हेल्प की मदद से अच्छे से इसको ब्लेंड कर दूँगा। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। और कलर करेक्टर अप्लाई करने के बाद अब मैं फाउंडेशन के लिए यूज ले रहा हूँ ये है फॉरएवर 52 का फाउंडेशन है। गाइस, फॉरएवर 52 के जो प्रोडक्ट्स आते हैं बहुत अच्छे आते हैं, और ये इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो दुबई ब्रांड्स के हैं। सो इसका मैं एक पंप लूँगा और उस पंप को डॉट डॉट मोशन पे पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगा, फेस पे और नेक पे, जिससे मेरा फेस इवन लगे। सो अच्छे से मैं इसको अप्लाई कर लूँगा, और कभी भी फाउंडेशन आपको एक साथ अप्लाई नहीं करना है, हमेशा आपको डॉट डॉट मोशन पे ही अप्लाई करना है। एक साथ अप्लाई करने से क्या होता है, आपका कहीं फाउंडेशन ज़्यादा लग जाता है और कहीं फाउंडेशन कम लग जाता है, इसलिए हमेशा डॉट डॉट मोशन में ही आपको अप्लाई करना है। सो फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे एक मैं डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ ले रहा हूँ। डैम्प इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने पानी में डुबो के अच्छे से इसको वाटर को निकाल करके फिर मैं इसको डैपिंग मोशन में अप्लाई कर रहा हूँ, जिससे आपका स्पंज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और जो फाउंडेशन है वो भी ईजिली ब्लेंड होता जाएगा। सो इसको मैं अच्छे से डैपिंग मोशन में अप्लाई कर लूँगा। सो आप इस फाउंडेशन के आप कवरेज आप देख सकते हो, मैंने बहुत कम अमाउंट लिया था और ये बहुत अच्छा है, फुल कवरेज फाउंडेशन है, प्राइस के अकॉर्डिंग भी वर्थ है। आई थिंक इसका जो प्राइस है वो 700 रुपये समथिंग है। सो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा जो भी मैं प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ ले रहा हूँ। और ये जो प्रोडक्ट है, ये फाउंडेशन है, वो दुबई का ब्रांड है और दुबई के जो प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत अच्छे आते हैं। सो अच्छे से मैं इसको अप्लाई कर लिया। आप देखो, मैंने एक साइड इसको अप्लाई कर लिया और एक साइड नहीं। सो दोनों में आप इस फाउंडेशन का डिफरेंस देख सकते हो। काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, बहुत आप इसको परचेज करना जरूर, बहुत अच्छा फाउंडेशन। और ये ऑयली स्किन वालों के लिए काफ़ी बेस्ट फाउंडेशन है क्योंकि आपके फेस पर ऑयल नहीं लाता है आपके। और अब फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद यहाँ पे यूज़ ले रहा हूँ ये है मैबलिन फिटमी का कंसीलर है। इसमें मेरा जो शेड नंबर है वो मीडियम है। गाइस, ऑल टाइम फेवरेट कंसीलर, मैं मतलब इसको काफ़ी टाइम से यूज़ ले रहा हूँ, मुझे अराउंड 3 साल हो गए इसको यूज किए हुए, तो काफ़ी अच्छा है ये। सो इसको मैं अपने वहाँ पर लगाऊंगा जो जहाँ पर मुझे थोड़ी हाईलाइटिंग चाहिए। सो यहाँ पर मैंने अपने आइज़ के नीचे और नोज़ ब्रिज पर लगाया है, और इसी को मैं उसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प की मदद से अच्छे से ब्लेंड करता जाऊँगा और इसको वहीं ब्लेंड करूँगा जहाँ पे मुझे हाइलाइटिंग चाहिए, मतलब अंडर ऑफ आइज। पूरे फेस पे इसको नहीं लेके जाऊँगा, ओनली फॉर मैं इसको अपने अंडर ऑफ आइज पे ही अप्लाई करूँगा। और ये फुल कवरेज वाला कंसीलर है और मैबलिन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मैंने एक मैबलिन के फाउंडेशन पर एक वीडियो बनाया था, आप लोगों की हेल्प से मेरे अब तक उसमें 30,000 व्यूज़ आ चुके हैं। काफ़ी अच्छा मेरा वो वीडियो वायरल हुआ था, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। सो अच्छा प्रोडक्ट है फिटमी के। सो अच्छे से मैं अपने पूरे फेस को सेट करने के लिए यहाँ पर यूज़ ले रहा हूँ ये है कॉम्पैक्ट है, ये है पर्पल का कॉम्पैक्ट है। सो एक फ्लफी ब्रश की हेल्प की मदद से अच्छे से अपने फाउंडेशन को कंसीलर को लॉक करूँगा, और पाउडर लगाना ज़रूरी होता है। यदि आप पाउडर या मतलब फाउंडेशन के बाद पाउडर अप्लाई नहीं करते हो तो क्या होगा, आपका फाउंडेशन और जो कंसीलर है वो क्रीज करने लगा, लाइन्स दिखने लगेगी। इसलिए हमेशा आपको समर के अंदर आपको पाउडर
से अच्छे से लॉक करना चाहिए और एक अच्छा सा पाउडर यूज किया। ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस का पाउडर है और अच्छा भी है। सो इसको मैंने purple.com एक साइट है जहाँ पे आपको ब्यूटी के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सो अच्छे से मैंने इसको सेट कर लिया है। अब अपने फेस को थोड़ा सा शेप देने के लिए, ब्रॉन्जी लुक देने के लिए यहाँ पे मैं शुगर का ब्रॉन्जर यूज़ ले रहा हूँ। इसमें मेरा जो शेड नंबर है वो मेरे शेड से 3 शेड डार्क है। सो अच्छे से मैं इसको एक कंटूर ब्रश की हेल्प की वजह से अच्छे से मैं अपने फेस को कंटूर करूँगा, जिससे मेरा फेस जो है वो एक शेप में लगे, अच्छे से मेरा जो फोरहेड है वो भी थोड़ा सा शेप में लगे। क्या होता है कंटूर करने से आपका फेस, जिनका फेस बड़ा होता है यदि वो कंटूर करते तो उनका फेस थोड़ा छोटा दिखने लग जाता है, इसलिए हम कंटूरिंग टिप्स बोलते हैं इसको। और अच्छे से मेरी नोज़ थोड़ी मोटी है तो मैं यहाँ पे भी इसको थोड़ा कंटूर करूँगा जिससे मेरी नोज़ थोड़ी स्लिम दिखे। सो काफ़ी अच्छा ये ब्राउज़र और अफोर्डेबल है। सो कंटूर एंड ब्राउज़र करने के बाद अब मैं यहाँ पे यूज़ ले रहा हूँ ये ऑफ्रा का ऑल टाइम फेवरेट माई हाईलाइटर। गाइस बहुत अमेजिंग हाईलाइटर है, थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन वर्थ है, बहुत अच्छा है। सो इसमें मैं बहुत लाइटली अप्लाई करूँगा क्योंकि काफ़ी पिगमेंटेड है और मुझे ज़्यादा हाईलाइटिंग नहीं चाहिए, बिल्कुल नेचुरल लुक के लिए मुझे बिल्कुल सटल हाईलाइटर चाहिए। सो इसको मैं अच्छे से फोरहेड पे, नोज़ ब्रिज पे अच्छे से अप्लाई करूँगा। सो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, सो आप खुद देख सकते हो। सो हाईलाइटिंग अप्लाई करने के बाद मुझे यहाँ पे मुझे लगा कि मेरी आईब्रो थोड़ी वाइट हो गई हैं प्रोडक्ट लगाने से। सो अच्छे से मैं एक स्पूली ब्रश की हेल्प की मदद से अच्छे से अपनी आईब्रो को कॉम करूँगा और यहाँ पे हुडा ब्यूटी का आई शेडो पैलेट यूज़ ले रहा हूँ, जिसमें से जो ये डार्क ब्राउन शेड हैं वो मैं लूँगा एक आईब्रो ब्रश में और अच्छे से मैं अपने जो गैप्स हैं उनको अच्छे से फिल करूँगा जिससे मेरी आईब्रो थोड़ी सी नेचुरल और इन्हेंसफुल लगे। क्या होता है गाइस, अपन आईब्रो के लिए हम डार्क शेड यूज़ लेते हैं, डार्क शेड मतलब ब्लैक कलर का अपन कोई भी आई शेडो यूज़ लेते हैं तो क्या होता है वो अनइवन लगती है, अनइवन मतलब बहुत ज़्यादा लाउड लगती है, इसलिए नेचुरल दिखाने के लिए हमेशा आपको डार्क ब्राउन शेड ही यूज़ लेना है। सो अच्छे से मैंने यहाँ पे बिल्कुल नेचुरली फिल कर लिया है और अब मैं यहाँ पे यूज ले रहा हूँ ये है लव अर्थ का लिप चिक टिंट है। गाइज इसको आप लिप्स पे और चिक्स पे दोनों पे अप्लाई कर सकते हो। सो इसको मैं अपने लिप्स पे थोड़ा अप्लाई करूँगा जिससे मेरे लिप्स थोड़े नेचुरली पिंक और थोड़े अच्छे लगे, हाइड्रेटिंग लगे। सो ये काफ़ी अच्छा है और आप खुद देख सकते हो काफ़ी नेचुरल लग रहा है। और अब मैं अपने मेकअप को सेट करने के लिए यहाँ पे यूज ले रहा हूँ ये फॉरएवर 52 का मेकअप सेटिंग स्प्रे। गाइस इसको लगाने से आपका मेकअप 12 से 13 घंटे कहीं नहीं जाएगा, पूरा वाटरप्रूफ मेकअप हो जाएगा और समर्स के लिए मेकअप काफ़ी अच्छा है। सो आपको मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।